आज की इस ड्राइंग में दोस्तों बहुत ही आसान तरीके के साथ मैं आपको एक भुट्टे की ड्राइंग करना सिखाऊंगा जो कि पत्तियों के साथ होगा बहुत ही इजी तरीके के साथ। और यदि आपने हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया तो क्लियर है आज आप भुट्टा बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों भुट्टा बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत ही प्यारे तरीके से आप इस प्रकार से एक वाई बना लीजिए, इस प्रकार से कुछ ए वाई बन गई हमारी। वाई का शेप देना है लेकिन हल्का उसको हम चेंज करके देंगे। फिर हमें क्या करना है, इसी से इस प्रकार से ला करके हम एक पत्ती का शेप देंगे जो कि बहुत ही प्यारी जो है पत्ती हमारी बनेगी भुट्टे की, जो जिसे हम फुचड़ा कहते हैं अवधी भाषा में इसे हम, आप अपने यहाँ क्या कहते हैं एक बार जरूर बताएं। इस प्रकार से इसको हम अंदर लाके मिला देंगे। अब इधर भी हमको सेम वही करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेंगे और इस प्रकार से सीधा ला करके हम इस प्रकार थोड़ा सा बीच में गोल करेंगे और यहाँ से ला करके हम मिला देंगे। यहाँ भी हमको ऐसे ही दो लाइनें और इसको थोड़ा सा इस प्रकार से मिला देना है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर एक मुड़ी हुई पत्ती बनाएंगे। तो मुड़ी हुई पत्ती को बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से हम शेप देंगे और इसको इस प्रकार से लाके मिला देंगे और यहाँ पर सीधी इस प्रकार से लाइन और इसको इस प्रकार से लाके मिला देंगे हम। ये हमारी मुड़ी हुई पत्ती बन गई। अब यहाँ पर हम भुट्टे का शेप देंगे। तो भुट्टे का शेप देने के लिए हम इस प्रकार से थोड़ा बारीक बारीक सा, बहुत ही बारीक हमको भुट्टे का शेप यहाँ पर दे देना है और फिर इसी को हम भुट्टा बनाएंगे। ये हमारा भुट्टे का शेप हो गया बहुत ही सुंदर सा। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसकी पत्ती को थोड़ा सा हम ऐसे ला करके इससे मिला देंगे और इधर भी इसको ला करके हम इससे मिला देंगे। फिर इसको इस प्रकार से खींचिए लाइन और इसको इस प्रकार से हम इसको गोल कर देंगे। ये हमारी भुट्टे की आउटलाइन बन गई। अब इसमें हम इसके दाने बना लेते हैं। तो जो शुरुआत के बिल्कुल लास्ट के दाने होते हैं भुट्टे के, वो थोड़े से जो है छोटे होते हैं, बीच के बड़े होते हैं और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं दाने और भी बड़े होते चले जाते हैं। और जैसे कि आपने देखा भी होगा भुट्टे के दाने क्रमशः होते हैं, तो आप भी इनको क्रमशः ही बनाइए। जितना क्रमशः आप बनाएंगे उतना ही भुट्टा हमारा प्यारा लगेगा। अब यहाँ पर हम इस प्रकार से बनाते हुए भुट्टे चले आएंगे। भुट्टे में दाने मक्का जैसे हम कहते हैं और अवधी भाषा में इसे जुंधरी भी कहते हैं। आपके यहाँ आपकी भाषा में इनको क्या कहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ए इसी प्रकार से आप दाने बनाते हुए चले जाइए। थोड़ी वीडियो लंबी ना हो इसलिए जो है हम यहाँ पर इस प्रकार से इसकी हम कुछ आउटलाइन कर लेंगे। और आउटलाइन करने के बाद हम इसकी शेडिंग और जो है ब्लेंडिंग करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले इसके हम दानों की शेडिंग करेंगे। तो दानों की शेडिंग करने के लिए हमको इसकी कुछ इस प्रकार से आउटलाइन कर लेनी है। जब हमारी आउटलाइन होगी तो हम बहुत ही प्यारा इसको बना सकते हैं। इस प्रकार से इन दानों की हम आउटलाइन कर लेंगे।
यदि आप भी खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो सेम जो टेक्निक हम बता रहे हैं उसी प्रकार से इसको आपको बनाना है। इस प्रकार इसकी आउटलाइन कर लेंगे हम। तो चलिए कर लेते हैं। ये बहुत ही प्यारा जो भुट्टा है और उसकी आउटलाइन हो गई है। अब हम थोड़ा सा अपने वीडियो को जूम करेंगे और जूम करने के बाद आपको बताते हैं कि इसकी शेडिंग कैसे करनी है। तो शेडिंग कैसे करोगे इसकी, जो ये बीच के एरियाज हैं इनको आप बिल्कुल डार्क डार्क सा कर दीजिए, क्योंकि जब इन दानों की छाया इसमें पड़ेगी तो ये एकदम डार्क डार्क से होंगे। तो आप इनके लिए 8B या 9B और यदि आपके पास 10B पेंसिल है तो उनका इस्तेमाल करके इन स्थानों को एकदम सा डार्क डार्क सा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसमें जो है छाया ज़्यादा पड़ेगी और जहाँ पर छाया पड़ती है वो भाग डार्क रहते हैं। तो सिंपल तरीका है, आप इसको इसी प्रकार से डार्क कर दीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। ये हमारे भुट्टे का जो अंदर का भाग है वो लगभग सेड हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे उंगली की सहायता से, ज़्यादा हमें रगड़ना नहीं है, उंगली के माध्यम से हम इसको हल्का सा कर लेंगे। बस ये हमारा बहुत ही प्यारा भुट्टा और उसके दाने बन गए हैं। अब हम इसकी पत्तियों को जो है सेड देंगे। तो पत्तियों का जो ये अंदर का एरिया है ये ज़्यादा डार्क रहेगा, क्योंकि इस भाग में प्रकाश नहीं पड़ेगा। तो इस भाग को हम 10B या 8B, जो भी आपके पास सबसे डार्क पेंसिल उपलब्ध है उससे इस एरिया को हम फिल करेंगे इस प्रकार से। और सेम इसी टेक्निक से हम जितने भी अंदर के भाग हैं पत्तियों के उनको फिल कर लेंगे। इसको भी हम इसी प्रकार से फिल कर देंगे एकदम डार्क डार्क सा, ठीक है। फिर आपको इस एरिया को भी ऐसे ही भर देना है। तो चलिए भर लेते हैं। इस प्रकार से हल्का बीच में जो है लाइट रखना है और यहाँ पर फिर से डार्क रखना है इस प्रकार से। और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं उसमें कुछ रेखाएँ होती हैं, इसलिए हम इसमें बारीक बारीक सी इस प्रकार से रेखाएँ बना देंगे शेडिंग जैसे। यहाँ से भी हम दूसरी रेखा बनाएंगे, ज़्यादा हमें और जो लाइट्स एरियाज होते हैं पत्तियों को उनको हमें छोड़ते हुए चले जाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जो लाइट एरियाज हैं उन्हें हम छोड़ देंगे या इनको हम बाद में बना सकते हैं इस प्रकार से। और इधर भी हम इसी सेम यही टेक्निक अपना करके इस प्रकार से इसकी शेडिंग करते हुए आराम से चले जाएंगे। इस प्रकार से आप बहुत ही आसान तरीके के साथ भुट्टा बना सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बनाना सिखा सकते हैं। सिखाइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके जो है हमारी ऐसी ही रेगुलर अपडेट वीडियो पाने के लिए जो है बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस प्रकार से हम इसमें भी बारीक बारीक सी लाइनें बना देंगे जो कि भुट्टे में बनी रहती हैं। अब सेम यही टेक्निक अपना करके हम इस पत्ती को थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे और ये जो नीचे का एरिया जो है तो थोड़ा सा यहाँ पर डार्क रहेगा, बाकी जो है प्रकाश पड़ेगा जिसके कारण जो है लाइट रहेगा। तो इसको हम लाइटर छोड़ रहे हैं। ये ऊपर का भाग है तो ये ज़्यादा डार्क रहेगा, सॉरी लाइट रहेगा, तो इसको हम यहाँ पर ज़्यादा लाइट छोड़ रहे हैं। ये हमारा बहुत ही प्यारा जो है भुट्टा बन करके तैयार हो गया है। और इसी माध्यम से आप यदि भुट्टे को जो है बनाते हैं तो क्लियर है आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक आने वाले हैं इस बार। थोड़ा सा हमारा यहाँ पर रह गया है तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे डार्क कर लेंगे
और इधर भी हम इसको इस प्रकार से सेट कर देंगे। और इस प्रकार से आप अच्छी तरीके से भुट्टे को बना सकते हैं। धन्यवाद।